ईपीएफओ की नई ब्याज दरों पर कब होगा फैसला? टेक्नो का पहला 5G स्मार्टफोन कैसा है और कहां पर पुरानी कार होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट? मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात और कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए मनी नाइन में। ईपीएफओ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर पर फैसला लेने जा रहा है। ईपीएफओ के सीबीटी की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में गुवाहाटी में होने वाली है। इसी बैठक में ईपीएफओ मेंबर्स को दिए जाने वाले ब्याज को तय किया जाएगा। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में 8.5% ब्याज दिया था। टेक्नो मोबाइल ने पहला 5G स्मार्टफोन पोवा 5G को लॉन्च किया है। पोवा 5G में 6.9 इंच फुल HD डॉट इन डिस्प्ले है। पोवा 5G में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 16MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6000mAh की बैटरी है। भारत में इसकी कीमत 19,999 रुपए है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़ कर यह मुकाम हासिल किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 59 साल के अडानी की नेटवर्थ 88.5 अरब डॉलर हो गई है, जबकि अंबानी की नेटवर्थ 87.9 अरब डॉलर है। FMCG कंपनियां एक बार फिर कीमत बढ़ाने की तैयारी में हैं। चालू तिमाही में 5% तक कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह कमोडिटी की बढ़ती कीमतें हैं। पंखे, कूलर और किचन अप्लायंसेस बनाने वाली ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने कहा है कि कीमतों में 4-7% वृद्धि होगी। बिस्कुट कंपनी ब्रिटानिया भी कीमतों में 10% तक की वृद्धि कर सकती है। दिल्ली में जल्द ही पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक किट के साथ उन्हें ई व्हीकल में तब्दील करने के उद्देश्य से रेट्रोफिटिंग के लिए सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्रियोन मोटर्स ने कम गति वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर स्नो प्लस को लॉन्च किया है। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 64,000 रुपए है। स्नो प्लस स्कूटर की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर के अलावा सेंटर लॉकिंग, मोबाइल के लिए USB चार्जिंग, सेंटर लॉकिंग और GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सोने की कीमतें एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। न्यूयॉर्क में सोना मंगलवार को $1,819 प्रति औंस पर पहुंच गया। इस वजह से दिल्ली में सोने की कीमतें भी 144 रुपए बढ़कर 48,167 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। दूसरी ओर चांदी 76 रुपए गिरकर 61,607 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। जनवरी में घरेलू यात्रियों की संख्या मासिक आधार पर 43% घटकर 64 लाख रही। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इकरा के मुताबिक दिसंबर महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 112 लाख थी। LIC के जनवरी माह में नई प्रीमियम आय 1.58% गिरकर 12,936 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले इसी महीने में यह 13,143 करोड़ रुपए थी। देश में सक्रिय बाकी 23 जीवन बीमा कंपनियों की नई प्रीमियम आय जनवरी 2022 में 9.39% बढ़कर 9,020 करोड़ रुपए हो गई। और मनी नाइन की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @MoneyNineLive को फॉलो करें, तो मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।